11 आज अपना आईडी एक्टिव करेंगे आर जी ओ में, जो आर जी ओ में ज्वाइन हुए थे वो आप आज आईडी एक्टिव करेंगे। चलिए कैसे ज्वाइन करते हैं हम देख लेते हैं। आर जी ओ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन हो रहा है, ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन होने दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट होने हो रहा है, ऐड को हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, आईडी लॉगिन हो रहा है, ऐड को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट करने के बाद अपना आर जी ओ का वेबसाइट खोल लेते हैं, अपना आईडी खोल लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, गो टू टास्क पे क्लिक करते हैं हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्टिव आईडी, एक्टिव आईडी पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे पे नाउ, आईडी एक्टिव करने के लिए पे नाउ करने बोला है। हम 124 रुपया पे करने वाले हैं, तो आप अपना चॉइस कर सकते हैं किससे आप पेमेंट करेंगे। तो हम कार्ड पे चॉइस करते हैं, यहाँ कार्ड नंबर दे देते हैं, कार्ड नंबर दे दिया है, एक्सपायर डेट दे देते हैं। यहाँ पे एक्सपायर डेट सीवीवी नंबर दे देते हैं यहाँ पे, और पे करते हैं 124 रुपया। आप अपना आईडी एक्टिवेट करेंगे हम, तो हमने दे दिया पे, पे पे क्लिक किया। यहाँ पे ओटीपी आया है, ओटीपी हम वेरीफाई करेंगे, ओटीपी चला है हमारे, तो हम ओटीपी को दे देते हैं यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी देने के बाद ओटीपी क्या है, हाँ ओटीपी दे दिया हमने, दो नंबर बाकी अभी, हाँ दे दिया, ओटीपी हो गया हमारा। अभी पे करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे हम रिडायरेक्ट करेंगे बैंक के पेज में, यहाँ पे बैंक पे पेज पे आ गए हम। अब बैंक से हम वेरीफाई करेंगे ओटीपी, तो ओटीपी आ गया, हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई सबमिट कर दिया हमने, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो गया हमारा, वो हमारा आईडी एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आप अपना जो पेमेंट किए थे वो पेमेंट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्टेटस पे। तो चलिए हम पेमेंट तो चेक कर लेते हैं, हमारा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक पेमेंट पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे हमारा 124 रुपया पे होगा। और ऑर्डर आईडी यहाँ पे आ गया, हम इसे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी है 124 रुपया है, और ये पे हो गया है। तो हम बैक जाते हैं और देखते हैं हमारा हमारा एक्टिव वाला टास्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने तो आईडी एक्टिवेट किया, तो वो एक्टिव वाला टास्क अभी हम देखेंगे। हमने तो आईडी एक्टिवेट कर लिया, एक्टिव टास्क पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारा एक टास्क तो आया कि नहीं आया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्टिव वाला जो टास्क था 12 टास्क एड व्यू का, वो चला आया। हम यहाँ से आप एक्टिव वाला टास्क भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से सेम वैसे ही टास्क को पूरा करना पड़ता है जो फ्री में आपने टास्क पूरा करते थे। यहाँ से भी ऐड व्यू करना पड़ता है सेम उसी तरह, और 9 नंबर पे ये फ्लिपकार्ट का ऐड आता है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह आपको यहाँ पे आईडी एक्टिव आईडी का भी टास्क पूरा करना पड़ेगा। यहाँ से देखो विजिट विजिट नाउ पे कर रहा है, यहाँ पे भी दो टास्क आएगा, ऐसे करके आपको यहाँ पे भी टास्क पूरा करना पड़ेगा। सारा टास्क आपको पूरा करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, हमने तो अपना आईडी एक्टिवेट कर लिया, और अब हम देखेंगे किसी दूसरे का आईडी हम कैसे अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब आपने किसी को ज्वाइन किया, वो अगर अपना आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से उसका आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने मोबाइल से किसी और का आईडी कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, अगर वो एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपका डाउनलाइन का, मतलब आपने किसी को ज्वाइन किया उसका आईडी, तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पिन डिटेल्स, पिन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है परचेस पिन एंड परचेस हिस्ट्री, अनयूज पिन और यूज पिन। यहाँ से आपको पिन को पिन खरीद के दूसरे का आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको दूसरे का आईडी एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको एक पिन खरीदना पड़ेगा, एक पिन 124 रुपया, मतलब एक आईडी। तो आप यहाँ से पिन खरीदेंगे और दूसरे का आईडी एक्टिवेट करेंगे। तो हम चलिए देख लेते हैं पिन कैसे खरीदेंगे और दूसरे का आईडी कैसे हम एक्टिवेट करेंगे। तो पिन खरीद
खरीदने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद पड़ेगा पिन परचेस पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। पिन परचेस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस आएगा, यहाँ से मिनिमम टू पिन्स मतलब दो पिन खरीदेंगे और मैक्सिमम आपको 20 पिन खरीद सकते हैं। तो दो पिन का हो जाता है 248 रुपया, मतलब एक पिन 124 रुपया। एक आईडी यहाँ पे दो पिन खरीदना पड़ेगा दो आईडी के लिए, तो आप जब चाहे तब इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिन खरीदने के पे नाव पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम पे नाव पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं क्या है। पे नाव पे क्लिक किया, अभी हम पे नहीं करेंगे। आप यहाँ पे कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी पिन नहीं खरीदेंगे, बस आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए बैक करते हैं और देख लेते हैं अगर हमने पिन खरीद लिया उसके बाद दूसरे का आईडी कैसे एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से आप आईडी पिन को खरीद लेंगे, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर वहीं पे जाएंगे पिन डिटेल्स पे और यहाँ से आप अनयूज पिन को चॉइस करेंगे। मतलब आपने तो पिन खरीद लिया, उसे यूज़ नहीं किया अभी, इसलिए आपको अनयूज पिन पे क्लिक करना पड़ेगा। अनयूज पिन पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे रहेगा आईडी आईडी या नंबर, ऐसा कुछ रहेगा। मैंने तो पिन नहीं खरीदी इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे आप उसका नंबर दे देंगे, उसके बाद उसे एक पिन को बाय कर देंगे, यूज़ कर लेंगे। और जिसका भी आप नंबर देंगे या आईडी नंबर देंगे तो उसका ऑटोमेटिकली उसका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे करके आप दूसरे का आईडी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपना टास्क पूरा कीजिए और इनकम कीजिए और अपने परिवार का अपना भी ख्याल रखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप मेरे से आरजीओ में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पे क्लिक करके आप आरजीओ में आके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनी टीम का ख्याल रखिए। और किसी ने अगर आईडी एक्टिवेट नहीं किया है तो एक्टिवेट कर लीजिए। और किसी ने अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आरजीओ में तो लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं।